नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, कश्मीर पुलिस ने एक सर्कुलर निकाला है जिसके मुताबिक पत्थरबाज जो हैं या जितने भी एंटी नेशनलिस्ट हैं उनको ना तो पासपोर्ट दिया जाएगा, ना नौकरी दी जाएगी, ना ही उनका वीजा लगेगा। इसको लेके सो कॉल्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को कश्मीर के नेता मानते हैं, बहुत पार्टी समझती हैं, उनके बीच में बड़ा तनाव है। वो बहुत इसको लेके चिल्ला रही हैं कि ऐसा सर्कुलर क्यों निकाला गया। देखिए, उनकी अपनी बहुत बड़ी मजबूरी है। एक पहली बात तो मुबारक कि आपने एक अच्छा विषय चुना आज। उनकी मजबूरी है दरअसल जो कश्मीर, चूँकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कश्मीर है, उनका ऑडियंस वही है जो पिछले कई दशकों से एंटी नेशनल एक्टिविटी में मुलविस रहा है। हम सबको नहीं कहते हैं, इन जनरल कश्मीरी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, कहते हैं ना कुछ मछली सारे तालाब को गंदा करती हैं, इस तरह कुछ कश्मीरी हैं जिनको गुमराह किया गया, जिनका ब्रेन वॉश किया गया, वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये एक लंबा इतिहास है, आपको तो पता है, जब से टेररिज्म शुरू हुआ हमारे मुल्क में, करीब जम्मू कश्मीर में करीब 3 दशक होने वाले हैं। और पत्थरबाजी की घटनाएं अक्सर तब घटती हैं जब हमारे सुरक्षा बल किसी आतंकवादी को एनकाउंटर करने की तैयारी करते हैं या मुठभेड़ चल रही होती है। मकसद यही होता है कि उनको सेफ पैसेज देकर निकलवा लिया जाए। मैं समझता हूँ ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वैली बेस्ड पार्टी हैं जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, उनकी सियासत इसी पे चलती रही है। आप इनकी पूरी हिस्ट्री उठाइए, कश्मीर में वो कुछ बात बोलते हैं, जम्मू आगे कुछ और बोलते हैं, और नई दिल्ली में बहुत बड़े देशभक्त साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनको प्रॉब्लम क्या है? क्या ये नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति हो? क्या ये चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे आए, इन पत्थरबाजियों का शिकार बने और चार कंधों पे चल के जाए? असली बात यही है, ये कश्मीरी आवाम को समझना चाहिए, ये जितने बड़े बड़े अलगाववादी नेता जितने बड़े हैं, उनका एक बेटा भी टेररिज्म में नहीं आया। नहीं है किसी का बच्चा बाहर के मुल्क में पढ़ रहा है, कोई यही हमारी स्टेट में नौकरियां कर रहे हैं, स्टेट की नौकरी कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन काम जो करते थे वही अलगाववाद का, वही टेररिज्म को बढ़ावा देने का, जिनको पिछले दिन नौकरी से बाहर भी किया गया, एक बड़ा चंक है जिनको निकाला गया। और अभी और भी कवायद चल रही है ऐसे एंटी नेशनल तत्वों की जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में अलगाववाद और आतंकवाद को पाल पोसने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा मुद्दा पत्थरबाजी का है। पत्थरबाजी आपको याद होगा सन 2015 की बात है, मसरत आलम भट्ट, वो जो कि सैयद अली शाह गिलानी का बेहद करीब था, जमायत इस्लामी का था, जब उसको पीडीपी और बीजेपी सरकार के दौरान अरेस्ट किया गया, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उसको थोड़ी देर बाद रिलीज कर दिया गया। वो एक ऐसा दौर था, उससे गलत मैसेज गया, जो पत्थरबाज, जो एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स थे या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो सपोर्टर थे, उनको मैसेज गया कि मसरत आलम अरेस्ट किया फिर छोड़ दिया। हालांकि उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई थी, आपको याद होगा, आपने स्टोरी भी की अपने अखबार के लिए। तो ये सब चीज़ें, कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, हमसे सरकार हमसे जी, जिसका खामियाजा उसके बाद लगातार हमको भुगतना पड़ा। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सतीश जी, जब भी कोई पासपोर्ट बनता है तो उसमें से वेरिफिकेशन करवाई जाती है, तो उसमें से एंटी नेशनल जो होते हैं उनको उनके एनओसी नहीं मिलता है। अब इसमें नई जो क्या है ऐड किया है पत्थरबाज, लेकिन ये क्या भूल गए हैं कि इन पत्थरबाजों की वजह से कश्मीर के अंदर कितना अनरेस्ट रहा है, कितना अनरेस्ट रहा है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं, टूरिस्ट बाहर से आ रहा है उनको उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, CRPF जब BSF के जवान जा रहे हैं उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। अब जब इन पे ऊपर कार्रवाई करने का मौका आया है, आप ये बात देखिए ना, जब से धारा 370 हटी है और 35 से हटा है तब से पत्थरबाजी कम होगी, कहाँ 10,000 के करीब होती थी, कहाँ 200 कुछ रह गई है पत्थरबाजी। लेकिन इसका मतलब यही है कि ये लोग नहीं चाहते कि उन पत्थरबाजों को मेन स्ट्रीम लाइन में लाना चाहते हैं। अगर 10,000 की जगह 225 रह गए हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है 6 महीने के बाद 225 ना रहे, सबको NOC मिल जाएगा। देखिए, इनकी सियासत उन्हीं पर टिकी है सारी, अगर वो ये सियासत नहीं करेंगे तो वो वोट कहाँ से लेंगे? मैंने कहा ना शुरू में कि अपने कश्मीर के उन ऑडियंस को एड्रेस करते हैं
जो ये समझते हैं कि नई दिल्ली हमारी दुश्मन है, उनके दिमाग में ऐसा जहर भरा गया है कि नई दिल्ली ने प्रयोगशाला बना दिया जम्मू कश्मीर को। ये जो तमाम बातें उनके घर में जो उनके दिमाग में जो पेनिट्रेट की गई है गलत तरीके से, ये उसका नतीजा है। आपने ठीक कहा, देखिए ना, मसरत आलम के टाइम पत्थरबाजी फिर दोबारा शुरू हुई है, हालांकि उससे पहले सन 2010 की बात आपको अच्छी तरह मालूम है, जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे तब उमर अब्दुल्ला ने इन्हीं लोगों के खिलाफ जमकर सख्ती की थी और अलगाववादी या आतंकवादियों ये सब बिलों में घुस गए थे, एकदम शांति। हालांकि वो दौर ऐसा था, बड़े लोग मारे गए, ये भी आरोप लगे कि इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं, लेकिन इनोसेंट किलिंग तो एक बहाना है, मैं समझता हूँ। जो पत्थर चला रहे हैं, जो सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं, वो इनोसेंट कैसे हो सकता है? तो मैं समझता हूँ ये दौर, जब जैसे पीडीपी भाजपा की गठबंधन सरकार बनी उसके बाद फिर ये माहौल दोबारा से बना, लेकिन ये है कि आज सन 2000 आप जिसकी बात कर रहे हैं 370 टूटने 2005 उनके बाद की, चूँकि हमारे सुरक्षा बलों का इसको श्रेय जाता है, उन्होंने कितना जोखिम उठाकर किस तरह से ये सब चीज़ों को बांधा, कंट्रोल किया, जैसे आपने बताया, बामुश्किल 300 घटनाएं भी घटी 2019 के बाद से। एक दौर था जब वो बुरहान वानी मारा गया, उस समय महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी, डॉक्टर निर्मल सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी बड़ा बवंडर मचा था, पाकिस्तान ने हल्ला किया था, शहीद हो गया। और उस वक्त मैं समझता हूँ करीब 3000 पत्थरबाजी घटना हुई थी, और जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं तो टूरिस्ट कहाँ से आएगा? तबाही तो खुद अपनी कर रहे हैं ना, अपने घर को खुद आग लगा रहे हैं। इन नेताओं को ये समझ नहीं आता जो कश्मीरी आवाम, तुम्हारा जरिया सारा टूरिज्म पे है, दाल रोटी का। तुम पत्थरबाजी करा के एक ऐसा मॉल बनाते हो जानबूझ के कि जिससे कि जो बाहर का टूरिस्ट आ रहा है, जो वहाँ पर टूरिस्ट इंडस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है, वहाँ पर खूबसूरत नज़ारे देखते हैं, होटल ये हैं, ढाबे वाले हैं, उन सबको तुम ख़त्म कर रहे हो। ये चाहते हैं कि देशद्रोही भी करते रहे और हमें एक क्लीन स्लेट, क्लीन सर्टिफिकेट जो NOC भी मिलता रहे इनको, वो किस तरह से होगा? ये कभी नहीं हो सकता। देखिए, वो पीस और गोली बराबर नहीं चल सकती। या तो शांति रखिए आप, या फिर गोली चलाएंगे या इस तरह खुराफात करेंगे, फिर आपका इलाज दूसरे ढंग से है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और उनके प्रशासन को, ये पहली बार इन्होंने इस प्रकार की एक बोल्ड स्टेप लिया है। पिछले दिनों आपने देखा कि जो सरकारी मुलाजम होते हुए भी इस प्रकार की हरकतें कर रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उन पर मुकदमे लगे हैं, अभी और भी लोगों के खिलाफ कवायद चल रही है जो सूत्र बताते हैं हमें। और अब ये जो नया इन्होंने जो ऑर्डर निकाला है पत्थरबाजों को लेकर, मैं समझता हूँ कि इससे लाजमी तौर पर उन भटके युवाओं को एक समझ बूझ आएगी कि भैया हम अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं इन उकसावे में आके। ये सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम के जो नेता हैं या OGW बैठे हैं, जिनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हैं, इनके बहकावे में आकर अपना परिवार और खुद का भविष्य क्यों तबाह कर रहे हैं? भटके हुओं को तो समझ आ जाएगी, और लग भी रहा है कि उन्हें समझ आ रही है कि अब सरकार जो है उन पर सख्ती करेगी, जो भी देशद्रोही होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन भटकाने वालों को कब समझ आएगी ये नहीं समझ आ रहे। ये सबसे बड़ी कतल है, चोर में चोर की माँ को मारा जाए। असली पॉलिटिकल लोग हैं जो वहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं करना चाहते। शुरुआत में कहा कि वहाँ कुछ भाषण देंगे, जम्मू आ जाएंगे तो जम्मू की बात करेंगे, दिल्ली चले आएंगे तो कहेंगे हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। तो ये जो दोगली राजनीति है, जैसी कॉन्शेंसी वैसा चश्मा लगा लो, ये जो राजनीति जब तक ये नहीं छोड़ेंगे कश्मीर के सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम वाले, उन्होंने टेबल के नीचे हाथ मिला रखे हैं सेप्टिस्टों से भी, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। कम से कम उनको अब ये सोचना चाहिए, अगर तुम कश्मीर और कश्मीरों को वास्तव में हमदर्द हो तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं उन पर उनको तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। सतीश जी, इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सर्कुलर निकाला है इसके बारे में आपका क्या कहना है? जम्मू कश्मीर की सरकार, खासकर जब से नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी आए हैं, वो इस बात में प्रयासरत है कि जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं उनको सरकारी नौकरियों से हटाया जाए, उनको सरकारी तंत्र से अलग किया जाए। इसलिए पहले एलजी साहब के कहने के ऊपर उन सरकारी अधिकारियों को जो कि इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल थे या
वो लोग जिनके खिलाफ एफआईआर या रिपोर्ट्स थी कि इन्होंने कुछ इंटरनेशनल एक्टिविटीज की हुई हैं, उनको सर्विस से निकाल दिया गया। इसमें सैयद सलाहुद्दीन के वो दो बेटे भी शामिल हैं। जैसा आप जानते हैं, सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, लेकिन उसके दो बेटे सरकारी नौकरी कर रहे थे। और सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी करते वक्त वो हवाला ट्रांजेक्शन भी करते थे और टेररिज्म के लिए फंड्स भी इकट्ठे करते थे। तो ऐसे लोगों को सर्विस से निकालना बहुत जरूरी था और एक बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। और अभी सरकार ने एक नया फैसला लिया है, और ये फैसला है कि जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, सीआईडी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और सीआईडी को ये कहा गया है कि जो लोग किसी भी इंटरनेशनल एक्टिविटी में शामिल हों, उनको जैसे कि स्टोन कल्टर्स या और कोई एक्टिविटीज, ना ही उनको पासपोर्ट के लिए क्लियरेंस दी जाएगी, ना ही उनको सरकारी काम के लिए या सरकारी नौकरी के लिए क्लियरेंस दी जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक बहुत अच्छा कदम है। इससे ये यकीन होगा कि सरकारी तंत्र इन इंटरनेशनल लोगों से साफ रहेगा, और धीरे धीरे कश्मीर के अंदर जो कि टेरर स्पोर्ट नेटवर्क पनप रहा था वो खत्म होगा। ब्रिगेडियर साहब, पीपी न्यूज लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम समझते हैं कि ये जो सर्कुलर आया है, अगर पत्थरबाजी 225 या 230 के बीच में रह गए हैं, तो इस सर्कुलर के बाद उनको भी समझ लेना चाहिए कि अब जम्मू कश्मीर उनके साथ किसी किस्म की रियायत करने वाले नहीं है। वो सख्ती से पेश आएगी और ये भी खत्म हो जाएंगे तो वही पुराना कश्मीर एक बार फिर सामने आएगा। सीसी, जैसे आपने सुना होगा कि अब फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, बिल्कुल, वो भी अब कश्मीर फिर जन्नत, आ रहे फिर जन्नत, वही जो कह रहे थे, जिसको कह रहे थे मेरी वाइफ, मेरी पत्नी इस भारत में सेफ नहीं है। हाँ। वही मनोज सिन्हा से मिलकर अब कश्मीर के अंदर शूटिंग की बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में एक बार फिर कश्मीर वही स्वर कहलाएगा जो पहले कहलाता था। सी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।